Hello children, in our previous video we have done section A or section B also. Now today we will do the section B, answer in 3-4 sentences. Okay, तो हमने section B already कर लिया था but उसका answer in 1-2 sentence किया था, 2-3 sentence, अब 3-4 sentences का question answers करेंगे. First question, how did the peasant of India become economically poor? जो भारत के किसान थे वो कैसे economically, आर्थिक रूप से गरीब हो गए? तो after getting the rule of extract the revenue, Diwani rule, Britishers started to extract maximum revenue from the peasantry at the cost of peasants and arable land. Consequently, the peasant of India become economically poor. तो हमने अपने चैप्टर में देखा था कि जो दीवानी राइट्स की वजह से जो ये रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम आया उसमें जो किसानों को इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा जिस वजह से कई बार तो वो लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उन्हें अपनी ज़मीन देनी पड़ती थी, तो इस वजह से वो लोग और क्या हो गए, गरीब हो गए. तो दीवानी राइट्स का जो सिस्टम आया वो बहुत ही इकोनॉमिकली अफेक्ट किया इंडियन पीजेंट्स को. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड द लैक्स ऑफ पीपल डाई इन बंगाल इन द ईयर 1770? तो 1770 में किस तरीके से बंगाल में लोग वो की डेथ हुई? द डिवास्टेटिंग ड्रॉट वॉज अटैक बंगाल इन द ईयर 1770 AD. द ब्रिटिशर्स डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू सेव द पीपल फ्रॉम हंगर, सो लैक ऑफ पीपल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन इन बंगाल इन द ईयर 1770 AD. तो हमने देखा था कि भूखमरी आ गई थी बंगाल में 1770 में, मतलब लोग इतने गरीब हो गए थे कि उनके पास खाने के, मतलब सूखा पड़ गया था. सूखे पड़ने के कारण कुछ भी अच्छी फसल नहीं हो पाई, खेती नहीं हो पाई, तो लोगों के पास खाने की कमी हो गई. बट जो लोग ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई भी एक स्टेप नहीं लिया कि इनको हम बचा सकें, तो भूखमरी की वजह से स्टारवेशन जो हुआ, भूखमरी जो आई, उस वजह से बंगाल में 1770 में लोगों की, लाखों लोगों की जान चली गई. तो ये था क्वेश्चन नंबर टू. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मटेरियल प्रोड्यूस इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन इंडिया इटसेल्फ? कि इंडिया में जो मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था वो इंडिया में ही क्यों महंगा हो गया? तो आंसर है, द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वाज इंपोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेविंग एनी ड्यूटी ऑन इट, वेयर एज देयर वर टैक्सेस अप टू 80% ऑन द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंडिया. तो जो इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे उन पे कोई टैक्सेस नहीं था, जबकि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे उन पे 80% का टैक्स लगा दिया था. एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में ही प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में ही महंगे हो गए, कॉस्टली हो गए, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगाया गया. तो ये ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी चाल चली थी बट आगे हमें सक्सेस मिला. तो यहाँ पर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द सेक्शन सी. थैंक यू.